अक्सर महिलाओं को अपने आप पर खर्च करने के लिए राशि हमेशा कम पड़ती है, लेकिन बुरहानपुर जिले में रहने वाली जैन एकता मंडल की महिलाओं ने घर से खर्च को मिलने वाली इस राशि से कुछ ऐसा काम किया है कि जिनके जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। इस महिला मंडल में 80 महिलाएं हैं जो अपने खुद के खर्च को मिलने वाली राशि एकत्रित कर दीपावली के पर्व पर जरूरतमंदों के आशियानों में रोशनी जगमगाने का पिछले 25 वर्षों से काम कर रही है। इन महिलाओं ने गरीबों को कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल के साथ मिठाई और नमकीन बांटे, लाइट भी बांटे, ताकि इनका भी घर रोशन होकर यह सभी लोग उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मना सके। जैन एकता महिला मंडल की अध्यक्ष ज्योति रावका और कोषा अध्यक्ष नीलिमा जैन ने बताया कि पहले हमने जब यह करने का ठाना तो हमारे साथ केवल 4 लोग ही थे, लेकिन जब हमने लोगों की मदद करना शुरू की तो 25 वर्षों में करीब 80 महिलाएं जैन समाज की जुड़ गई हैं, जो हर संभव मदद के लिए तैयार खड़ी रहती है। मंडल की उपाध्यक्ष पूजा जैन और सचिव काजल जैन ने बताया कि पहले केवल हम 4 महिलाएं जुड़ी थी, लेकिन जब हमने हमारे समाज में श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानवासी, हुमड़, पोरवाल, तेरापंथी, बीसपंथी सभी को उसके बारे में बताया तो सभी लोग हमसे जुड़ते गए। संगठन की सह कोषाध्यक्ष स्नेहलता सेठिया और सपना जैन ने बताया कि घर से हमको खर्च के लिए मिलने वाली राशि हम एकत्रित कर जरूरतमंदों को दीपावली पर इससे सामान खरीद कर बांटते हैं, ताकि यह परिवार भी हमारी तरह दीपावली का पर्व मना सके। संगठन की सह सचिव ज्योति पहाड़िया, सांस्कृतिक प्रभारी ज्योति गोलेच्छा और सामाजिक प्रभारी शोभा जैन ने बताया कि जिले के एक दर्जन से अधिक गाँव में हमारे द्वारा दीपावली के पर्व पर कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाई, बर्तन के साथ लाइट बांटे गए हैं। जैन एकता मंडल की ओर से जैनाबाद, जयसिंहपुरा, राजघाट, सारोला, अंबाड़ा, झांझर, निम्बोला, ठाटर, खामला, बोरी, आसिरगढ़ सहित गांव में सामग्री बांटी गई है। जरूरतमंदों को सामान मिलने पर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। संगठन मदद कर रहा है, क्या नाम है आपका? जय जिनेन्द्र। हमारे जो संगठन का नाम है वो जैन एकता मंच है। ये राष्ट्रीय लेवल की संस्था है और हम 15-20 महिलाएं पहले जुड़ी थी और कुछ ही दिनों में हमारे अभी 80 महिलाएं हैं, जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर, ओसवाल, पोरवाल और तेरापंथी, बीसपंथी, ये सभी जो ग्रुप हैं वो सब एक साथ एक मंच पे कार्य कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबकी मदद करें और समाज का उत्थान करें। फिलहाल में अभी हमने कुछ दिनों पहले, चूंकि दिवाली की सफाइयों में सबके यहाँ अनुपयोगी सामान इकट्ठा होता है, तो हम सब महिलाओं ने अपने घर के सामान इकट्ठे करके गरीबों में, बस्तियों में बांटा। उस समय उन गरीबों के चेहरों की खुशी देखने लायक थी। जो सामान हमारे लिए उपयोगी नहीं था वो उनके लिए बहुत ही काम का साबित हुआ। देखा आपने कि आपको जो घर खर्च के लिए राशि मिलती है, आप उससे मदद करते हो, क्या है? हाँ, हमारे जो मंडल में हमारे को जो घर से हमको खर्ची मिलती है, हम उन्हीं पैसों को मंडल में साल के 500 रुपए से इकट्ठे करते हर महिलाएं और उन रुपयों से ही हम मदद करते हैं। कितने सालों से मदद कर रहे हैं? मदद तो वैसे अभी जो हमारा ये एकता मंच है, जैन एकता मंच, वो तो अभी 6-7 महीने से शुरू हुआ है और इसके पहले से हम लोगों का जो जैन महिला मंडल है वो 25 वर्षों से कार्य कर रहा है। मेरा नाम ज्योति राव का है, मैं जैन एकता मंच की अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। संगठन काम कर रहा है और आगे भी क्या आयोजन होने वाले हैं? जय जिनेन, मैं नीलिमा जैन हूँ, मैं जैन एकता मंच की कोषाध्यक्ष हूँ और हमारा मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि गरीबों की मदद करना, सामाजिक उत्थान करना, जिसके लिए हम महिलाएं अपने ही घर खर्च में से पैसा बचाती हैं और उसी को इकट्ठा करके सब उसी फंड से सभी की सहायता के लिए मदद करते हैं हम लोग। एकत्रित होती आपके मंडल में? हमें जो घर खर्च में रुपया मिलता है उन रुपयों को बचाकर हम सब मंडल की सदस्य कार्य कर रहे हैं। क्या मदद करते हैं लोगों में? लोगों में कुछ सामान बांटना, कुछ मिठाइयाँ, कुछ भी बांट सकते हैं, कपड़े, कुछ भी अपन कर सकते हैं, गरीबों की मदद उस प्रकार से हम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सपना जैन। आप लोगों? जय जिनेन्द्र, मेरा नाम पूजा जैन है, मैं जैन एकता मंच की उपाध्यक्ष हूँ
हमने ये बहुत छोटे स्तर से शुरू की है संस्था, लेकिन आज बहुत ही कम समय में इस संस्था का बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें खर्चा तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, बाहर से किसी फंड का यूज नहीं कर रहे, अपने ही घर खर्ची का उपयोग करके हम कुछ न कुछ योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे महावीर भगवान के निर्वाण के उपलक्ष्य में ये दिवाली का महोत्सव एक्चुअली जैनों में इसीलिए मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में हमने ये फंड इकट्ठा करके आपस में गरीबों के लिए मिठाइयों का आयोजन किया है। जय जिनेंद्र।